अपनी पर्सनल लाइफ से कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपसे अब शेयर करने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि आज मैं सफल क्यों हो रहा हूं। भाई सफलता ना ऐसे टाइम पास होकर नहीं आती, बहुत सोच समझ कर आती है, जिस इंसान के पास भी आती है। पहला इंसिडेंट बताऊं, मैंने अपनी पहली गाड़ी जब खरीदी थी लोन पे, मारुति जेन एस्टेलो खरीदी थी। एक बार पूरे अपने परिवार के साथ मैं एक जगह से वापस आ रहा था और हम एक फ्लाईओवर से नीचे जा रहे थे। जैसे हम फ्लाईओवर से नीचे जा रहे थे, थोड़ा मेरा ध्यान भटका था या जो भी था, शायद लंबी गाड़ियों का एक तांता लगा हुआ था, एक्सीडेंट हुआ पड़ा था 7-8 गाड़ियों का, और मैंने वो नोटिस नहीं किया। मैंने भी जाकर अपनी गाड़ी एकदम भड़ाम करके लगा दी एक स्टेशनरी गाड़ी में, मतलब मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। और उस टाइम गाड़ी में जितने भी लोग बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा चोटें तो नहीं आई, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार को चोट आई नाक पर, उनको तुरंत लेकर जाना पड़ा हॉस्पिटल। तो अब एक्सीडेंट के सीन पर केवल मैं अकेला खड़ा हुआ था अपनी गाड़ी के साथ, ठुकी हुई गाड़ी थी और नई गाड़ी थी मेरी। पुलिस आई, पुलिस को मैंने अपने बारे में बताया, उसके बाद टो करके मेरी गाड़ी लेकर गए एक सर्विस स्टेशन में मारुति के। जब मैं मारुति के सर्विस स्टेशन पे गया, उस टाइम मेरे पास रिलायंस की जनरल इंश्योरेंस थी, मारुति के सर्विस सेंटर में गया और उन्होंने बोला जी 60,000 रुपये का खर्चा आएगा, आपको तो इंजन विंजन सब गया हुआ है, सब कुछ नया करना पड़ेगा। मेरे पास 60,000 रुपये नहीं थे। उन्होंने कहा था आपके इंश्योरेंस से आपको हम करीब 25-30,000 रुपये दे देंगे, दिला देंगे, बाकी खर्चा खुद उठाना पड़ेगा, करीब 20,000 रुपये का खर्चा खुद उठाना पड़ेगा। मेरे पास उस टाइम 20,000 रुपये भी नहीं थे, छोटी मोटी उस टाइम नौकरी थी। लेकिन एक बात मैंने ठान ली थी, उस दिन मैं रात को बैठकर वहीं पटरी पर, उस सर्विस स्टेशन के बाहर जो पटरी थी, वहां बैठकर थोड़ा रोया था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था 20,000 रुपये कहां से कमाऊंगा। उस महीने मैंने एक बात ठान ली थी कि अपनी गाड़ी छुड़वाऊंगा इसी महीने, और खुद अपने पैसों से। मैंने उस महीने सोशल मीडिया, तब मैं कंसल्टिंग किया करता था सोशल मीडिया पे, और कस्टमर तक रीच आउट किया, और कस्टमर, और अपनी दयनीय कहानी नहीं सुनाई मैंने किसी को, मैंने और कंसल्टिंग प्रोजेक्ट्स उठाए और अपनी गाड़ी छुड़वा ली। इससे आप लोगों को मेरे बारे में एक चीज समझ आई, कनेक्ट द डॉट्स अगर आप करें, मैं सिखाता हूं ना MBA प्लस गुरुकुल में कनेक्ट द डॉट्स, तो कनेक्ट द डॉट्स से यह साबित होता है कि मैं बड़ा कठोर इंसान हूं, मैं डिसीजन ले लेता हूं बहुत स्ट्रांग, और डिसीजन लेकर तुरंत एक्शन में लेकर आता हूं उस चीजों को। आप लोग पता क्या करते हैं, सफलता क्यों आ रही है आज मेरे पास, समझ आया आपको, कि मैं डिसीजन लेता हूं और एक्शन करता हूं। आप नहीं करते, आप दोनों ही काम नहीं करते, आप डिस्कशन और सोच में रह जाते हैं। आप किसी का कोई लाठी चाहिए, कोई हाथ चाहिए, कोई तारनहार चाहिए, आपको भगवान चाहिए, आपको नहीं आएगा, नहीं आएगा भगवान। जितनी घंटियां बजानी है मंदिर में बजा लो, नहीं आएगा, वो नहीं आएगी सफलता आपके पास। जब तक डिसीजन लेना नहीं सीखोगे और डिसीजन को तुरंत के तुरंत एक्शन में बदलना नहीं सीखोगे, भगवान नहीं आएगा, सफलता नहीं आएगी। मैं क्लियर कट बता रहा हूं। एक और आपको इंसिडेंट बताता हूं। आज से कुछ समय पहले मुझे सिंगापुर जाना था, एक कंसल्टिंग प्रोजेक्ट मिला था मुझे वहां पे, लेकिन सिंगापुर जाने के पैसे नहीं थे। वहां पे 2 दिन तक मुझे वो जिनकी कंसल्टिंग कर रहा था वो लोग होटल का स्टे दे रहे थे, लेकिन मुझे 2 दिन और रुकना था, वहां 2 दिन रुकने के पैसे नहीं थे। तो मैंने पता क्या किया, मैंने अपने एक एंटरप्रेन्योर दोस्त को रीच आउट किया। वो एंटरप्रेन्योर दोस्त आज भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। उसने मुझे 50,000 रुपए दिए और उनको बहुत जल्दी मैं MBA प्लस गुरुकुल की एक ऑडियो क्लास में लेकर आऊंगा। बहुत सफल एंटरप्रेन्योर है, खुद अपनी मेहनत का बना हुआ एंटरप्रेन्योर है। उसने मुझे 50,000 रुपए दिए और तब मैं सिंगापुर जा पाया। उसका एहसान आज तक मेरे कंधों पे है। लेकिन मैंने फ्री में उससे 50,000 रुपए नहीं मांगे थे। पता है उन्होंने मुझे क्या कहा था? कहा, पारितोष, मैं तेरे समय की बहुत वैल्यू करता हूं, तेरे में बुद्धि बहुत है, मैं तेरा फ्यूचर का समय ब्लॉक कर रहा हूं आज तुझे 50,000 रुपए देकर, तो ये मत सोचियो मैंने तेरे ऊपर कोई एहसान किया, मैंने तेरा समय ब्लॉक कर लिया। और अब MBA प्लस बना रहा हूं ना, अब उनको वो रिटर्न देने की बारी आ गई है मेरी। आपने समझी बात? क्योंकि मेरे अंदर वो वैल्यू थी, इसलिए उन्होंने उस वैल्यू को देखा, परखा और मुझे वो पैसा दिया उस समय। और आज मैं वो डिसीजन ले रहा हूं, आज वो एक्शन कर रहा हूं कि उनको अब लेकर आऊंगा MBA प्लस गुरुकुल में, ताकि आप सब लोगों का भला हो सके, ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस से आपको समझा पाए कि बिजनेस करना कैसे है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी वैल्यू क्या है? आप क्या दे सकते हैं इस दुनिया को? आप क्या दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को? पता है क्या, सफलता अपने आप चलकर आपके पास आएगी, बंद दरवाजे अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगे अगर आप वैल्यूएबल इंसान होंगे तो।
अगर आप में हिम्मत होगी तो, अगर आप वो इंसान होंगे जो डिसीजन से एक्शन ले पाएंगे तो, और अगर आपके आसपास संगत अच्छी होगी तो। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ये तीन चीजें चाहिए, तीन भी नहीं इनफैक्ट दो चीजें चाहिए, डिसीजन लेना सीखना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना सीखना चाहते हैं और एक अच्छी संगत चाहते हैं जहां पे ऐसे भले लोग हों जो आपकी मदद कर पाए, तो आप एक काम कीजिए, MBA प्लस गुरुकुल ज्वाइन कर लीजिए। मैंने ये गुरुकुल इसीलिए बनाया है, जो चैलेंजेस मुझे अपनी जिंदगी में हुए थे, जिन चैलेंजेस से मुझे बाहर निकाला लोगों ने, मैं उन्हीं लोगों को लेकर आ रहा हूं इस गुरुकुल के अंदर, ऐसी संगत बना रहा हूं ताकि जिसने मेरी मदद की हो सकता है वो आपकी भी मदद कर दें, और पलटकर जब आप आगे बढ़ जाएं तो आप और लोगों की मदद कर दें। इसलिए बना है MBA प्लस का गुरुकुल। अगर आप डिसीजन लेना सीखना चाहते हैं, बिजनेस करना सीखना चाहते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाना सीखना चाहते हैं, आप जेन्युइनली अपनी पूरी इंटेंट के साथ एक ऐसी संगत चाहते हैं जहां पे अच्छे भले लोग हों, आपका भी फायदा हो, आप भी उनका फायदा कर पाएं, तो आप MBA प्लस गुरुकुल की मोबाइल ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए। इसका नाम है MBA प्लस। मोबाइल ऐप में आपको MBA प्लस स्कॉलरशिप नाम का एक प्रोग्राम दिखेगा, पूरी लाइफ टाइम का प्रोग्राम है, केवल 3,000 रुपए की इसकी लाइफ टाइम की फीस है, एक बार आप फीस देते हैं बस, दैट्स अबाउट इट। आप वो फीस दीजिए और तुरंत के तुरंत आप जुड़ जाएंगे हमारे MBA प्लस गुरुकुल से, हमारी कम्युनिटी से, हमारे गुरुकुल में, यानी हमारी मोबाइल ऐप में। ऑडियो में क्लासेस होती हैं, मेरी क्लासेस होती हैं, और भी ऐसे चैंपियन एक्सपर्ट्स की क्लासेस होती हैं जिनके मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप उनकी क्लासेस अटेंड कीजिए ऑडियो में, क्योंकि ऑडियो में ना फोकस पूरा होता है, अटेंशन पूरी होती है, कंसंट्रेशन पूरी होती है। वीडियो में नाच गाना बढ़िया होता है, लर्निंग नहीं हो पाती, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, हाँ मज़ा आता है। अब मज़े चाहिए तो भैया कहीं पे भी जाओ, लेकिन अगर पूरी फोकस के साथ आपको बिजनेस समझना है तो MBA प्लस गुरुकुल में आ जाओ। अब मैं आपको मिलूंगा मेरी मोबाइल ऐप में, यानी MBA प्लस गुरुकुल में, और वहीं पे आपको पढ़ाऊंगा अपनी ऑडियो क्लासेस में। और जब भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए अपनी कन्फ्यूजन, सारे की सारी संगत जो है ना हमारी, वो आपको हेल्प करेगी आपकी कन्फ्यूजन दूर करने में, आपको आगे बढ़ाने में। अब आपको मिलूंगा MBA प्लस गुरुकुल में। जय हिंद।